सफ़ेद चने की बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों को पसंद आती है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं छोले 250 ग्राम के करीब, इसको गर्म पानी में भिगो दिया था 1 से 2 घंटे पहले। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 2 जो है कट्ठे लहसुन के लिए हैं, और जो मैंने लिए हैं प्याज, 4 बड़े प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, नॉर्मल जो है ग्राइंड करते हैं वैसे किया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें लिए हैं, इसको हम बाद में ग्राइंड करेंगे जब प्याज थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो अभी हम चलते हैं आलूओं की तरफ। तो इसमें जो है आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े आलू ले लिए हैं, और अभी हम इसको जो बनाएंगे कुकर में, तो किफ़ायती तरीके से बनाएंगे, बहुत जल्दी भी बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कलछी के करीब जो है ऑयल डाल दिया था, और इसी के साथ ही जो हमने प्याज और लहसुन का मिश्रण बनाया हुआ था इसमें डाल दिया है। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है कसूरी मेथी भर कर पूरा, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। कसूरी मेथी अगर आप प्याज के साथ डालते हैं इन सब्जियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, देगी मिर्च यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, बहुत ही बढ़िया कलर देती है, और ये बिल्कुल भी जो है स्पाइसी नहीं है, सिर्फ कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला है। अगर आप चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है मसाला बनकर तैयार होगा। और अभी मैंने डाल दी है वो टमाटर की प्यूरी, अच्छे से इसे पका लेना है 1 से 2 मिनट। इसके बाद जो है हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अभी मैं डालूँगी गरम मसाला, तो ये गरम मसाला जो है सारे मसालों का मिश्रण है। तो इसमें मैंने जो है धनिया के सीड्स और बहुत सारे जो मिश्रण होते हैं, दालचीनी, बहुत सारे जो चीज़ों का मिश्रण घर पर ही बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देता है, तो मैंने वो 1 चम्मच डाला है। और हल्दी जो है कम डाली है, 1/2 चम्मच के करीब। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऐसी सब्जियां बनाने के लिए, चाहे छोले की है, कोई भी सब्जी है, तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारे जो ये स्टेप्स होते हैं बहुत ही अमेजिंग होते हैं, कि कसूरी मेथी कब डालनी है, कितना पानी डालना है, मसाले को कितना पकाना है। तो अभी मसाले को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें डाल देंगे हम ये सफ़ेद चने। सफ़ेद चने जो है मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखे थे 1 से 2 घंटे पहले, तो बहुत ज़्यादा जो है ये कच्चे नहीं होने चाहिए। तो 250 ग्राम यहाँ चना मैंने डाल दिया है, और इसी के साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने जो है 4 बड़े आलू, उनको जो है थोड़े बड़े पीसेस में काट कर डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया ये जो सब्जी बनेगी, और सभी इसको खुश होकर खाएंगे, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कम से कम ऐसे ही लो से मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, ताकि सब्जी में सारे मसाले मिक्स हो जाएं। दो से तीन मिनट अच्छे से पकाने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 4 गिलास जो है पानी ऐड करूँगी, और इसको कम से कम 4 से 5 हमें जो है सीटी भी देनी है। ढक्कन लगा देते हैं 4 से 5 सीटी के बाद। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया जो है ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है, छोले की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं। तो साथ में मैंने अभी काट कर रखा है हरा धनिया, हरा धनिया यहाँ पर मैंने 1 पूरी कुछी इसमें डाल देनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है, तो वो डालना बहुत ही ज़रूरी है। हरे धनिए से जो है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, तो छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है, इसमें डंडियाँ ऐड नहीं करनी। तो अभी मिक्स कर लेते हैं इसको। तो ये सब्जी बनकर तैयार है, और इसको हम सर्व करेंगे चावल के साथ। तो अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो चावल के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाली सारी वीडियोज़ को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।